नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव, स्पेशल एडुकेटर। आज मैं आप सबके सामने उन बच्चों के बारे में बात करूंगी जिन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। मैं आपके साथ कुछ टिप्स साझा करूंगी जिससे इस समय आपको उन बच्चों को संभालने में कुछ मदद हो सकेगी। आजकल हमारा सारा समय घर पर ही बीतता है, सामाजिक जीवन कुछ हद तक बंद सा गया है। बच्चों के सारे पूर्व निर्धारित कार्य जैसे स्कूल जाना, थेरेपीज के लिए जाना या पार्क जाकर खेलना जैसे सभी कार्य अब नहीं हो सकते, वह स्थगित हो गए हैं। बच्चे घर पर रहने को ही बाध्य हो गए हैं। इस कारण उनका व्याकुल होना और गुस्सा होना बहुत ही स्वाभाविक है। हम में से बहुत लोगों ने छुट्टियों में बाहर जाना निश्चित किया होगा, पर अब COVID-19 की वजह से यह संभव नहीं है। हमें यह बात बच्चों को समझाने में कुछ मुश्किल ज़रूर हो सकती है, क्योंकि उन्हें पूर्व निर्धारित कार्यसूची के तहत चलने की आदत है। यह बात हम उन्हें चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं। हम उन्हें चित्र दिखाकर यह बता सकते हैं कि ट्रेनें नहीं चल रही, होटल भी बंद हैं, इसलिए हम छुट्टियां मनाने नहीं जा सकते। हम उनके पूर्व निर्धारित कार्यसूची में यात्रा की वह तारीखें काटकर भी चिन्हित कर सकते हैं। अभी बहुत से सारे बच्चे घर पर रहने को मजबूर हैं, इसलिए उनके पास अत्यधिक खाली समय है। यह बहुत ज़रूरी है कि उनके इस खाली समय को सही दिशा दिखाई जाए। इस समय हम उन्हें बहुत से कार्य करना सिखा सकते हैं, और घर के बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें हम उनकी मदद ले सकते हैं। हम उन्हें खाने से पहले मेज़ लगाना, धुले हुए कपड़े समेट कर रखना आदि जैसे कार्य करना सिखा सकते हैं। हम घर पर बोतलों में पानी भरना, सब्जियों को अलग अलग टोकरी में रखना, दादा दादी की घर पर छोटे छोटे कार्यों में मदद करना, माँ की मदद करना जब वह बिस्तर लगा रही हो आदि कार्य करवा सकते हैं। इस समय हम बच्चों से थर्मल एवं नॉन थर्मल कुकिंग भी करवा सकते हैं। इससे वह आत्मनिर्भर भी होंगे और उनका समय भी कट जाएगा। यह बहुत ज़रूरी है कि हम धैर्य रखते हुए बच्चों से इस समय बात करें। कहीं ऐसा न हो कि हमारी व्याकुलता बच्चों पर कुछ विपरीत प्रभाव डाले। इस समय हम बच्चों को कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, जैसे हम उनके साथ बैठकर ड्राइंग कर सकते हैं, उनके साथ कुछ छोटे छोटे खेल खेल सकते हैं। इस समय क्योंकि उनके पास बहुत समय है, इसलिए हम उन्हें कुछ नए बोर्ड गेम्स भी ज़रूर सिखा सकते हैं। यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि वह घर पर हैं, इसलिए उनका टीवी देखना या मोबाइल पर कुछ भी देखना, इस बात के लिए हमें समय को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं
ख़त्म करते हुए अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ आप सबके सामने साझा करना चाहूँगी। छोटों संग खेलने का समय मिल जाता है, बचपन जीने का मौका मिल जाता है, जिंदगी चार दीवारी में बंद सी गई है, फिर भी हमें थमना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। आशा है आप सब स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। धन्यवाद।